उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,74,00,000 लाभार्थी हैं, उनको हम लोग साल में 2 श्रेणी। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर? देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के पास है, देश का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। अगर दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र भारत है, सबसे अच्छा यूथ भारत के पास है, तो भारत में वह क्षमता यूपी के पास है। यूपी सबसे अच्छा यूथ भी रखता है, सबसे बड़ा श्रम बाजार भी है और युवा शक्ति को भी रखता है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,74,00,000 लाभार्थी हैं, उनको हम लोग साल में 2 सिलेंडर फ्री देने जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। यह सरकार की तो योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं और जिनको हम लोग आज भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ रहे हैं। 12 से 17 के बीच में क्या हुआ था तो हर व्यक्ति जान ही रहा है, लेकिन 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे थे उस समय 21,21,629 छात्रों के लिए तत्कालीन सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी थी। स्कॉलरशिप रोक दी थी और जब हमारी सरकार आई मार्च 2017 में, तो पिछली और उस वर्ष की स्कॉलरशिप फिर हमारी सरकार ने एक साथ देने का काम किया था। क्या गलती थी उन बच्चों की? इसमें तो भारत सरकार देती है पूरा पैसा, लेकिन बहुत सारी जैसी योजनाओं में, अभी मैं विभिन्न सेक्टर्स में आऊंगा, और यही लोग जो दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, कमजोरों का, निरी गरीब कमजोर वंचित पिछड़े, इन सब के हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे, वही जब कुछ नहीं चलता है तो फिर जाति 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 ये सब चलाने लगते हैं। मोदी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है, कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है, विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है, और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास।